So it's a love story. Okay. क्या वो प्यार था? जब कॉलेज के पहले दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा था कि पूरी जिंदगी कहीं रुक सी गई हो. मैं मेरे चार दोस्तों के साथ आखिरी बेंच पर कोने वाले सीट पर बैठा था जहाँ से मुझे पूरे क्लास का व्यू मिले. उस व्यू के सेंटर में तुम रहो और मेरा फोकस सिर्फ तुम पे बना रहे. मैम जोर जोर से चिल्ला के कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी मगर तुम्हारी दिल की धड़कनों से उनकी आवाज़ मेरे लिए कहीं गुम सी हो गई थी. क्या वो प्यार था? मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना. मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना. काश तुम आँखों की भाषा समझ लेती. मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया. दिल में जो बात थी वो जुबान पे आती थी लेकिन लफ्ज़ों में तब्दील होने से पहले ही कहीं कहीं खो सी जाती थी. क्या वो प्यार था? आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई. तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि शुभम, लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते हैं. और मैं पगला मन ही मन में मुस्कुरा कर कह गया कि मैं तुम्हारा यह हाथ ज़िंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ. क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजर रान सा लगता था. तब से तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई. हम साथ में ही मुस्कुराते थे, बस फ़र्क इतना होता था तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराता था. क्या वो प्यार था? इन आँखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन ओठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी. एक लाइन में तुम्हारी तारीफ़ क्या करूँ, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो जाए. क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन पे रिचार्ज मैं करता था और घंटों तक तुम किसी और से बातें करती थी. तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यह गुदगुदी मेरे हाथों में होती थी. तुम किसी और को गले लगाती थी और यह धड़कनें मेरी तेज हो जाती थी. क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था. तुम किसी और के कंधे पर सर रखकर रोती थी और यह तकलीफ मेरे दिल को होती थी. क्या वो प्यार था? न जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था. दोस्तों उसने मुझसे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपने मोहब्बत का महल सजा रही थी. साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए. तो आज से हम भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे. हमारा अंदाज़े ज़िंदगी राबता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं. इस तरह ये गज़ल सुना के मैं महफिल में खड़ा था और लोग अपने अपने चाहने वाले में खो गए थे. क्योंकि एक तरफा ही सही मगर हाँ वो प्यार था. तो बेसिकली ये दिल की बात थी जो दिल ने बोली, लेकिन दिमाग ने बस एक ही बात बोला कि भाई तू फ्रेंड ज़ोन हो गया है. Thank you so much.